जन्मदिन, सालगिरह या किसी भी प्रकार का बधाई संदेश अब मात्र 299 रुपए में। आज ही संपर्क करें RJ रामझागर में। हमारा नंबर है 9907756308 पर। जन्मदिन बधाई पर केक फ्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रामझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। 1 दिसंबर से पूरे प्रदेश में धान खरीदी शुरू होने के बाद से ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में लगातार नियम कानून में किए जा रहे बदलाव के कारण सभी क्षेत्र के किसान परेशान हैं। ताजा मामला कवर्धा जिले के धान खरीदी केंद्र कोरवा गोदान में टोकन नहीं काटने से सामने आई है। छोटे एवं बड़े किसान का धान नहीं बिकने से किसानों का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। किसान कई दिनों से पर्ची जमा कर टोकन कटवाने के लिए धान खरीदी केंद्र के प्रभारी एवं टोकन प्रभारी से बार बार टोकन कटवाने के लिए आने जाने एवं हो रहे परेशानी से अवगत करवा रहे हैं, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा। पूरा माजरा आदिवासी सेवा सहकारी समिति कोरवा गोदान का है, जहां हम आपको बता दें कि दिनांक 13/12/2019 को किसानों के द्वारा टोकन कटवाने के लिए धान खरीदी केंद्र के प्रभारी को ऋण पुस्तिका दिया गया था, लेकिन किसानों का आरोप है कि 13/12/2019 को जमा किया गया पर्ची का टोकन नहीं काटा जा रहा है, बल्कि बीच में कुछ किसान जो इनके नजदीकी हैं, उनका टोकन काट दिया गया, जिससे किसान भड़क गए और जमा पहले था उस पर्ची को कहां किए, उसी का टोकन क्यों नहीं काट रहे हो करके किसान और अधिकारी के बीच में नोकझोंक हुआ, लेकिन किसानों का कर्मचारियों के द्वारा नहीं सुना गया और इसी बात से किसान परेशान है। और किसानों ने एक स्वर में पुराना पहले जमा हुए पर्ची का टोकन कटाने के लिए हल्ला बोल शुरू कर दिया है। नमस्कार, RJ रामझाजर के लिए मैं विष्णु प्रसाद श्रीवास। अभी हम लोग कोदवा गोदान सोसाइटी में हैं। यहाँ किसानों का समस्या क्या है, आइए जानने का कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? उमेंद्र राम साहू, पिता रामू साहू, ग्राम मंगली। मंगली के? हाँ। क्या समस्या है? अरे, एक हफ्ता हो गया हमारा पर्ची जमा हुए, आज तक टोकन नहीं कटे है। 13 तारीख के पर्ची जमा कर रहे हैं हमन, आज तक नहीं कट पाई। अभी साहब से बात करता था, क्या बोलते? साहब से बात करथन तो सीरियल बाइक कटी के बोला था, जिन पिछला जमा कर रहे हैं 13 तारीख के तेन पर्ची में के एक भी आदमी के नाम नहीं आते। आपला जैसे धान एक दो हफ्ता लेट में बिका थे, क्या समस्या हो? कोई समस्या नहीं, लेकिन टोकन कटना चाहिए, मतलब तारीख मिलना चाहिए हमला। आपके नाम का है? राजकुमार साहू। कहाँ से? मंगली। क्या समस्या है आपके? वही टोकन है के सर। कई दिन हो गए नहीं काटा तो? एक हफ्ता में काटू के जमा कराए, उसके बाद काटवे नहीं करे थे। का पहली जमा हो रही तेन पर्ची नहीं कटते, बाद वाले कटते, का होते? आज एक दिन के जमा है, आज काटू के जमा कराए, उसके बाद काटे होकर बाद बोला थे कि अपन अपन पर्ची वापस ले लो। बड़े मशक्कत के बाद समझाइश कर किसानों के द्वारा अधिकारियों से निवेदन किया गया कि जो किसान पहले ऋण पुस्तिका जमा किए हैं उसकी सूची बनाया जाए, फिर उसी सूची के आधार पर किसानों का टोकन काटा जाए, और एक बार में 2000 बोरे का टोकन काटा जाता है, उसे बढ़ाकर 25 से 3000 किया जाए। दूसरी ओर किसानों का बड़ी मेहनत से कमाई हुई धान की फसल में जो लाभ होना था वह सोसाइटी में धान बेचने लाने पर ही समाप्त होते नजर आ रहा है। सरकार द्वारा 2500 धान की राशि देंगे या नहीं देंगे यह भी संशय में है, पर यह निश्चित है कि किसानों का धान सोसाइटी में लाना, उसको ढेर बनाना, फिर भरना, फिर तौलने की प्रक्रिया में किसानों के धान का आधा दाम यही खत्म हो रहा है। किसान इसी से परेशान है और उनका कहना है कि ढेर ना बनाकर प्रत्येक बोरी को चेक किया जाए, जिस बोरी का धान गुणवत्ता में कमी मिलती है उसे वापस किया जाना चाहिए, लेकिन इस बात के सुनने वाले कोई भी अधिकारी कर्मचारी या फिर जनप्रतिनिधि मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। तो नहीं कटे कहा थे, आज ही रेट में जितना कटे थे कट के कहा थे, पानी के नाम से, छुट्टी के नाम से, दुनियादारी की। हम आए दिन की जमा करे, हमारे पर्ची नहीं कटी, ठीक आज दिन के जमा करे रहे, ठीक है 13 तारीख के जमा करे, हमारे कूपन नहीं कटी, आगू करें के पास वाले के कट गए, ठीक है। अब हमारे डेढ़ सेना साहब में पूछने हैं कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट एक नाम से अभी जितना पर्ची है, नवा पर्ची अभी जमा नहीं हुआ थी डेट में, ठीक है, जितना पुराना पर्ची है ओखर लिस्ट बनावा है, ओखर बाद नवा पर्ची है कटी हमारे के मत। कैसे सर, आपके क्या कहना है करके? ठीक है, मैं वही लिस्ट बनाते हैं, आदमी अनुपस्थित है ओखर आप पर्ची काटे हैं, ओखर का है टोकन के किसान आए हैं, बहुत ढेर सारा किसान रही ने जन वो जमा कर चुके रही तो कट के टोकन है, सचिव द्वारा कटे किसान है जो उपस्थित है यहाँ, ओकर टोकन नहीं काटे हवा भाई।
करीब 80-90 थी पर्ची जमा है सब उहे हवा है तो कई सबके कहाँ कट जाते बताओ मोला भाई सीरियल भाई कटी हो तो पूरा धान खरीदी हो चाहिए बातें नहीं कोई मतलब नहीं होता अब भाई जल्दी बाजी कही तो नहीं हुआ ना कोखरो आपके यहाँ गलत हो नहीं गलत नहीं हुआ है सीरियल भाई कटत है कोई गलत नहीं है। किसानों का कहना है कि जनप्रतिनिधि वोट मांगने तो आते हैं लेकिन उनकी परेशानियों का समाधान नहीं किया जाता। इसी बात को लेकर किसान काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। सचिव के आप बकायदा डिप्टी लगे हैं। कबीर धाम से विष्णु प्रसाद श्रीवास के साथ जयप्रकाश डहरिया की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। हमारा पता है सूर्य घाट बाईपास रोड, पड़ाव चौक, मुंगेली।